जिस तरह से संभल में न्यायिक आयोग द्वारा बनाया गया था, देखिए संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है, शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, जांच पूरी हो जाने दीजिए, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अफजल अंसारी जो समाजवादी पार्टी सांसद, वो देखिए समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, समाजवादी पार्टी की जो कुकृत्य है वो आज से नहीं है। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है और उनकी भाषा शैली भी गुंडों जैसी है, अपराधियों जैसी है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहां राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पास से ऑब्जर्व कर रही है, इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान देकर के अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां? महाकुंभ को लेकर के तैयारियां पूरी हैं, दुनिया नजारा देखेगी, विश्व के सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं सभी का स्वागत है और पूरे देश में सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोग स्वयं आमंत्रित करने के लिए जाएंगे कि सब लोग आए और महाकुंभ में पुण्य का लाभ उठाएं।